बरेली गंगाशील अस्पताल में अब दिल के रोगियों का जटिल से जटिल ऑपरेशन डॉक्टर विशाल अग्रवाल द्वारा किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल अग्रवाल ने बताया कि जटिल से जटिल ऑपरेशन अब गंगाशील अस्पताल में 2,50,000 या 3,00,000 के बीच में उपलब्ध है। पहले हृदय रोग के ऑपरेशन के लिए लोगों को दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, अब गंगाशील अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर विशाल अग्रवाल 7,000 से अधिक दिल के ऑपरेशन कर चुके हैं। बरेली में नैनीताल निवासी दयाल का ऑपरेशन जो बहुत जटिल था डॉक्टर विशाल अग्रवाल द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि उनके हृदय में काफ़ी परेशानी थी, नैनीताल से हल्द्वानी भेजा गया, हल्द्वानी अस्पताल भेज दिया, यहाँ दूसरा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अस्पताल में दिल्ली जैसे अस्पतालों की सुविधाएं उपलब्ध हैं और मरीजों को किसी भी बात की परेशानी नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में हृदय का अलग अलग काम करने का तरीका होता है। समय रहते अगर हम हृदय की जांच कराते रहें तो हृदय की बीमारी से बचा जा सकता है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर विशाल अग्रवाल है। डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे, आज आपने कई ऐसे प्रोग्राम रखा है, कई ऐसे पेशेंट जो काफी समय से बीमार थे, आपने सही उपचार नहीं कराया, क्या कहना चाहेंगे? जिनका सही उपचार मिला है जो स्वस्थ हो गए अपने आप को, जी जी उनके बारे में। एक्चुअली जो बाईपास सर्जरी या हृदय शल्य चिकित्सा, ये अपने आप में एक बड़ी रेयर सर्जरी है और यूजली फिजिशियंस और अगर सर्जन की बात करें तो सर्जन और सक्सेसफुल सर्जरी होना, ये दोनों एक बड़ी मुश्किल बात है। और सर्जरी के लिए एक पूरी टीम की आवश्यकता होती है, जो कि जूनियर सर्जन हो गए हमारे, सीनियर एनेस्थेटिस्ट हो गए, परफ्यूजनिस्ट हो गए, क्योंकि इनका एक जो कॉस्ट को वहन करना भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं आभारी हूँ हमारे चेयरमैन साहब और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब निशांत गुप्ता, निर्मल किशोर जी का, कि उन्होंने ये इस क्षेत्र के लिए ये विचार किया कि नहीं, हमें हृदय शल्य चिकित्सा के लिए दिल्ली ना भेज के हम ये सुविधा यहीं उपलब्ध कराएँ। प्लस मेरा बरेली में एक बार पहले रह चुका हूँ तो थोड़ा प्यार इस बरेली शहर से भी रहा मेरा, इसी की वजह से अब ये दूसरी बार मैंने वापसी करी है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि हार्ट की काफ़ी बीमारी बढ़ती जा रही है, क्या इसकी क्या पहचान है? बेसिकली अगर आपकी ये कहें कि सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना, घबराहट में होना, ये शुरुआत के लक्षण होते हैं। अगर हम शुरुआत में ही इसको पकड़ लेते हैं और चेकअप करा लेते हैं तो शायद हम इसकी गंभीर अवस्था को में जाने से पहले इसको रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे कॉम्प्लिकेटेड हार्ट सर्जरी आपने बरेली में की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर, देखिए बहुत वैरायटी होती है, जैसे कई बार हम ये कह सकते हैं कि हम एक चाय बनाने गए और चाय भी ख़राब हो गई, और कई बार हम बड़ा सा पकवान बना रहे हैं वो सही से कामयाब हो गया। तो कॉम्प्लिकेटेड वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगे, पहला। दूसरा कॉम्प्लिकेटेड वो होता है कि ये सर्जरी के लिए जो सामान, जो टेक्निक वो चाहिए वो हमारे पास हुई। तो उस श्रेणी में अगर हम बात करें तो बेंटाल ऑपरेशन जो होता है, जिसमें हार्ट से जो मेन नस निकलती है, जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती है असेंडिंग एओर्टा, उसकी सर्जरी जब वो गुब्बारे की तरह फूल जाती है, उसकी सर्जरी को रिप्लेस करना बेंटाल कहते हैं, वो सर्जरी भी यहाँ पर हमने कामयाब रूप से करी है। कुल कितने मरीजों का अब तक आप सर्जरी कर चुके हैं? मैं अगर अपने जीवन काल में बात करूँ तो 7,000 सर्जरी से ऊपर मैं स्वयं इंडिपेंडेंटली कर चुका हूँ। सर कितनी कामयाब रही है सर अभी तक? अब ये तो बहुत मुश्किल आंकड़ा है बताने के लिए। कितना खर्चा आता है लगभग? देखिए ऐसा है कि हर मरीज का स्टे सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, बट मुल्तिया 2,50,000 से 3,00,000 रुपए में एक सफल बाईपास सर्जरी हो जाती है। बरेली में कितनी कार्डियक सर्जरी अभी तक की है? बरेली में अगर मैं पहला मैं जब था यहाँ पे 1.5 से 2.5 साल रहा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।